मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इनवाइट करेगी, शी टोल्ड मी दैट शी वुड इनवाइट मी, ठीक है। चलिए लास्ट यूज इसका, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल के बताया था जो सेंटेंस, उसी की इंग्लिश आज हम सीखने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था मैं व्यस्त था वरना आपकी क्लास लेता, तो उसमें देखिए कैसे सेंटेंस होगा, मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। अब यहां पर क्या आएगा, अदरवाइज, मैं बिजी था वरना आपकी क्लास लेता, तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, आई वुड हैव, आई वुड हैव, ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव टॉट यू, मैं आपको क्लास पढ़ाता, आई वुड हैव टॉट यू, पूरा सेंटेंस होगा। यानी आज आपने क्या सीखा इसमें, लास्ट में वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं ये समझिए। ये तो वैसे मैंने लिख दिया आपके सामने एक सेंटेंस, बट यू कैन सी आई हैव रिटन वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करके रखना है, ठीक है। देयर इज अ डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम समबडी साइड, प्लीज टर्न ऑफ द माइक। किसी के यहाँ से आवाज सी आ रही है हल्की सी। रवि चौधरी, इट्स फ्रॉम योर साइड। ओके, नाउ इट्स नॉट कमिंग। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्यों यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी ऐसा था वरना वैसा हो जाता, यानी ऐसा होने की संभावना थी। क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये रीजन था, ये कारण था, अगर ये कारण को अलग हटा लें तो ऐसा काम होने की संभावना थी, यानी ऐसा काम हो जाता, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, संभावना थी। समझ रहे मेरी बात को, मैं व्यस्त था वरना आपको क्लास पढ़ाता, वरना आपको मैं पढ़ाता, तो मेरे पढ़ाने की संभावना थी अगर इस चीज को हटा दे वहां से। अब ये चीज एक रीजन बन के आ गई इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो रहा है, आई वॉज बिजी अदरवाइज आई वुड हैव टॉट यू, मैं बिजी था वरना आपको पढ़ाता, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। आई वॉज बिजी अदरवाइज आई वुड हैव टॉट यू, मैं बिजी था वरना आपको पढ़ाता। आई हैव केप्ट माई सेल्फ इन स्पॉटलाइट, तो आप सभी को मैं दिख रहा हूँ प्रॉपरली, आई वॉज बिजी अदरवाइज आई वुड हैव टॉट यू। अब बाकी सेंटेंसेस आप मुझे बना बना के बताएंगे, आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड यू विल टेल मी इन इंग्लिश, ठीक है। आई विल स्पीक हिंदी सेंटेंसेस एंड यू विल कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, आप चाहे तो हिंदी में नोट कर लीजिएगा या डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी अदरवाइज आई वुड हैव टॉट यू। अब आप करिए सेंटेंस इंग्लिश में, दुकान बंद थी वरना मैं मोबाइल खरीद लेता, दुकान बंद थी वरना मैं मोबाइल खरीद लेता। जैसे मान लो आप कहीं पे गए है ना मोबाइल वोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर आपको दुकान बंद मिली और फिर आप लौट के घर आ गए, तो किसी ने आपसे पूछा व्हाई डिड यू बाय मोबाइल, आपने मोबाइल क्यों नहीं खरीदा, अब आप बोल रहे हो दुकान बंद थी वरना मैं मोबाइल खरीद लेता। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में The करके store बताइए इसको। was the store was The store was shop otherwise was closed. I would otherwise I would have bought mobile. The mobile. Fantastic. The shop was closed. Otherwise I would have bought mobile. ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस बनाइए। आपने मुझसे पूछा नहीं वरना मैं आपको बता देता। I you was wasn't asking me, otherwise, otherwise करेक्ट द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस को करेक्ट करिए, यू डिडंट टेल मी, यू डिडंट आस्क मी, ठीक है। पहली बात तो किसी ने शायद टेल यूज करा था, मैं सुन नहीं पाया प्रॉपरली। दूसरी बात, किसी ने वॉजंट यूज कर दिया था, यहाँ पर दो चीजें यूज करी थी, एक का मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन कम है, लेकिन वॉजंट तो किसी ने यूज करा था, तो वॉजंट हटाइए वहां से। You didn't ask me, आपने मुझसे पूछा नहीं, ठीक है। You didn't ask me, otherwise I would have told you, वरना मैं आपको बता देता, ठीक है। अब एक और सेंटेंस बताइए, इसको इंग्लिश में करिए। मेरे पास रजिस्टर नहीं था वरना मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर देता। I was not registered, otherwise I would
मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं था आई डिडंट हैव रजिस्टर्ड आई डिडंट हैव रजिस्टर्ड अदरवाइज आई वुड अदरवाइज आई वुड हैव I would have attendance you marked your attendance attended देखिए sentence क्या लिखा हुआ है I didn't have register otherwise I would have marked attendance attendance नीचे आपको नहीं दिख पा रहा होगा now you can see I didn't have register otherwise I would have marked attendance मेरे पास register नहीं था पढ़ना मैं अटेंडेंस मार्क कर देता ठीक है ओके मैंने तैयारी नहीं की वरना एग्जाम क्लियर कर लेता आई कुड नॉट प्रिपेयर तैयारी नहीं की इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैंने जानबूझ करके तैयारी नहीं किया आई कुड नॉट प्रिपेयर मतलब मैं तैयारी कर नहीं पाया किसी वजह से आई डिड नॉट प्रिपेयर मैंने तैयारी नहीं की आई डिड नॉट प्रिपेयर अदरवाइज आई वुड हैव क्लियर्ड एग्जाम मैं एग्जाम क्लियर कर देता ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस बनाइएगा चलिए मैं एक एक सेंटेंस देता हूँ विमी मैम अब आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ कन्वर्ट करिएगा इसे इंग्लिश में विमी मैम आपका सेंटेंस ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था वरना मैं आपके घर आ जाती विमी मैम आप बताइए I did not have time otherwise I would have came at your home I would have came नहीं होगा मैम कम होगा कम came कम last form is the come I would have come at your home. I had no time. Otherwise, I would have come to your home. चलिए अब बनाएंगी प्रिया. प्रिया, now you make the sentence in English. मेरे पास एक्टिवा नहीं थी वरना मैं टाइम से पहुंच जाती. मेरे पास एक्टिवा नहीं थी वरना मैं टाइम से पहुंच जाती. I had not activa. Otherwise, I would have Come. I would have reached on time. ठीक है सेंटेंस क्या है आई हैड नो मोबाइल अदर सॉरी आई हैड नो एक्टिवा अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम आई हैड नो एक्टिवा किसी क्या से आवाज आ रही है डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा भाई किस क्या से हो रहा है किच 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 ऐसी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट योर माइक किस क्या से भी आ रही है आपको भी तो सुनाई दे रही होगी आप लोग वहां बैठे हो तो पूजा मैम इट्स कमिंग फ्रॉम योर साइड आई हैड नो एक्टिवा अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम वेरी गुड फैंटास्टिक आई हैड नो एक्टिवा अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम ठीक है अभी आप बताएंगे सचिन चौधरी नाउ अनम्यूट योर माइक सचिन ओके सर सचिन आपका सेंटेंस ये है कि सर अनुपस्थित थे वरना वो क्लास ले लेते सर स्कूल में अनुपस्थित थे यानी सर विद्यालय में अनुपस्थित थे वरना वो क्लास ले लेते सर वाज एब्सेंट इन स्कूल अदरवाइज वो क्लास ले लेते ही वुड हैव टेक क्लास Taken class, he would have taken class. जैसे कुछ सारे जो स्कूल जाते हैं taken class. वो स्कूल गए नहीं और बच्चे बैठे रह गए बच्चों ने क्लास ऐसे ही पूरा अपना टाइम निकाल दिया तो वहां पर आप ये सेंटेंस बोले सर वॉज अब्सेंट इन द स्कूल अदरवाइज ही वुड हैव टेकन क्लास ठीक है चलिए रवि चौधरी इफ एवरीथिंग इज फाइन रिगार्डिंग नेटवर्क तो मुझे सेंटेंस कन्वर्ट करके बताइए मैं बीमार था वरना पार्टी अटेंड करता रवि चौधरी I was sick. Otherwise, I would have attended the party. Very nice. Fantastic. Divansh. Yes. उसने मुझे उससे बात नहीं करने दी वरना मैं उसे समझा देता ध्यान से सुनिएगा दिवांश क्योंकि आप सीनियर हैं इसलिए मैंने आपको बड़ा सेंटेंस दिया उसने मुझे उससे बात नहीं करने दी वरना मैं उसे समझा देता
देवांश, उसने मुझे उससे बात नहीं करने दी वरना मैं उसे समझा देता। बाकी लोग लिख सकते हैं सेंटेंस को, यू ऑल कैन राइट दिस सेंटेंस, कोशिश करिए बनाने की। उसने मुझे उससे बात नहीं करने दी, उसने मुझे उससे बात नहीं करने दी वरना मैं उसे समझा देता। He did not talk to him, otherwise I would have understood No. Who is telling? Ravi, Sachin Chaudhary, are you telling? He did not talk to him. Okay, otherwise, I would have clear. No, wrong. Cleared him. No, wrong. उसने मुझे उससे बात नहीं करनी थी वरना मैं उसे समझा देता। देवांश क्या हो गया? देवांश otherwise he would, देखो मैं कितनी आसानी से सेंटेंस बनाता हूँ, बहुत ज्यादा सोच गए हैं। He did not let me talk to him otherwise I would have made him understand. कितना इजी सा सेंटेंस है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर so that it can be clear to everyone. देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने मुझे उससे बात नहीं करनी थी, किससे बात नहीं करनी थी, उससे। He did not let me talk to him. Otherwise, I would have made him understand. ठीक है, अब देखिए ध्यान से। उसने मुझे क्या नहीं करने दिया? बात नहीं करने दी। जैसे बोलते ना मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, लेकिन उसने नहीं करने दी तो डिड नॉट लग गया। किसने? उसने। किससे? उससे। अदरवाइज वरना, किसे समझा देता मैं? उसे समझा देता। किसको? उसे, क्योंकि इसी से तो बात नहीं करने दी, इसी को समझा देता मैं। ही डिडंट लेट मी लेट तब भी नहीं आ रहा था वरना तो पूरा आ गया। No need to cry over spilled milk. जी मैम, pardon, can I ask one question? जी मैम, we can ask. Use in the place of allow me. Yes, yes, sure, completely can, you can use. He did not allow me because I have written this sentence. When you write on the blackboard, I have written this sentence. He did not allow me. He did not allow. Me talk to him, otherwise I would have made him understand. Okay, ma'am, your sentence is quite correct, but there's a little mistake. आपको वो करना है, he didn't allow me to talk. ऐसे हो जाएगा। मैंने आपको ध्यान है बताया था let के time पे कि allow और permit के साथ to लगाना पड़ता है, जो let के साथ नहीं होता है। ठीक है, he did not allow me to talk to him, या he did not permit me to talk to him, otherwise I would have made him understand. यहाँ पर ये भी हो सकता था, I would have explained him. मैं उसे एक्सप्लेन कर देता, लेकिन यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा है, समझाया जा रहा है किसी बात के लिए कि भाई तुम लव मैरिज मत करो या तुम वहां अमेरिका मत जाओ, कोरोना फैला हुआ है, इस तरीके से समझाने वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये बोलना है हमें। चलिए एक और सेंटेंस देता हूँ, तो दिवांश उम्मीद है इस बार आप कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। आई गिव यू वन मोर सेंटेंस। उसने मुझे इंसिस्ट किया चाय पीने के लिए वरना मैंने चाय नहीं पी होती। उसने मुझे इंसिस्ट कर दिया था चाय पीने के लिए वरना मैंने चाय नहीं पी होती। He was कहाँ लगा रहे हो दिवांश? वॉज क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो इस वॉज को? सीधे सेकंड फॉर्म लगाइए, he insisted on me having tea. Otherwise, I would not have. वरना मैंने चाय नहीं पी होती। तो would not कर देंगे यहाँ पर। Would not को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Wouldn't. I wouldn't have taken tea. Taken को add कर दो। ये जो had है किसकी जगह पर है? Taken. I wouldn't okay. have had tea. He insisted on me having tea, otherwise I wouldn't have had tea. उसने मुझे insist कर दिया था चाय पीने के लिए वरना मैंने चाय नहीं पी होती।
दिस इज द सेंटेंस. मैं आपको कई सारे ऐसे सेंटेंस देता चले जाता हूँ, आप करते चले जाइए. वी हैव स्टिल 10 मिनट्स टू कंप्लीट द क्लास. तो आप करते चले जाइए सेंटेंस को. इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, खूब सारी प्रैक्टिस करिए. ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देता हूँ आपको. सर आपने समझाया नहीं वरना मैं समझ जाता. सर आपने समझाया नहीं वरना मैं समझ जाता. सर आपने मुझे समझाया नहीं. सर you did not understand make me understand. Otherwise, I would have understood. देखिए क्या लिखा हुआ है. सर यू डिडंट मेक मी अंडरस्टैंड अदरवाइज आई वुड हैव अंडरस्टूड. सर आपने समझाया नहीं बट हमें समझ जाता. सर यू डिडंट मेक मी अंडरस्टैंड अदरवाइज आई वुड हैव मेड. सर मेक को हटा दें तो. सर मेक को हटा दें तो कूड़ा हो जाएगा. इसका मतलब हो जाएगा सर यू डिडंट अंडरस्टैंड. सर आप समझे नहीं, ये हो जाएगा इसका मतलब. सर यू डिडंट एक्सप्लेन अदरवाइज आई वुड हैव अंडरस्टूड. I would have understood. यहाँ पर है तो सही. आपने समझाया नहीं वरना मैं समझ जाता. You didn't explain me. Otherwise, you didn't explain. If we use the make in the sentence of mid make, we used explain. No, no, we can't use explain. Explain तो मैंने बोला ही नहीं. Explain करने की क्या जरूरत है यहाँ पर. अच्छा यहाँ आप कह रहे हैं यहाँ पर explain use करना है आपको. You didn't explain. Otherwise, I would have understood. हाँ हाँ ये भी कर सकते हो. हाँ इट इज राइट. यहाँ पर आप एक्सप्लेन यूज कर सकते हो मेक को हटा के, वो करेक्ट हो जाएगा. हाँ यहाँ सही हो सकता है. सर यू डिडंट एक्सप्लेन अदरवाइज आई वुड हैव अंडरस्टूड, वरना मैं समझ जाता. चलिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं. लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस. तो मेरा सेंटेंस ये है कि डॉक्टर समय से नहीं आया वरना उसने पेशेंट को बचा लिया होता. डॉक्टर समय से नहीं आया वरना उसने पेशेंट को बचा लिया होता. The doctor didn't come on time. Otherwise, he would have saved the patient. ठीक है, the doctor didn't come on time, otherwise he would have saved the patient. अच्छा यहाँ पर बार बार द क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बात कर रहे हैं जो मर चुका है. ठीक है, इसलिए द लगाया जा रहा है, वरना द लगाने की जरूरत नहीं है. तो द डॉक्टर डिडंट कम ऑन टाइम अदरवाइज द पेशेंट, सॉरी ही वुड हैव सेव्ड द पेशेंट. अच्छा इसको पैसिव में भी बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस, लेकिन अभी हमने सीखे नहीं है. वरना अगर ये पैसिव में होता तो कैसे होता? द डॉक्टर डिडंट कम ऑन टाइम अदरवाइज पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, वरना पेशेंट बच गया होता. ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. ठीक है, मैंने पढ़ी है सर. मैंने पढ़ी है सर. पढ़े हैं? हाँ, तो आप पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं इसको. The patient would have been saved. हम भी पढ़ेंगे आगे passes, don't worry. और इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलिए और sentence बनाइए जल्दी से. पापा ने pocket money नहीं दी वरना मैंने आपको party दी होती. My father did not give me pocket money, otherwise my father would have attended the party. I would have. ठीक है, now let me speak. My father didn't give me pocket money, otherwise I would have stood you party. ठीक है, stood you, stand की third form. My father did not give me pocket money, otherwise I would have stood you party. ठीक है. और सेंटेंस बोल के बताइए. स्पीक वन मोर सेंटेंस. अब थोड़े इजी देता हूँ. देखो, मैंने मेहनत नहीं की वरना मैं सफल हो जाता. वरना
मैं सफल हो जाता, मैंने मेहनत नहीं की वरना मैं सफल हो जाता। I did not work hard. Otherwise, I would have success. देखिए would have के बाद आप क्या क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। I would have been successful, एक तो ये कर सकते हो, ठीक है, एक ये कर सकते हो I would have got success, एक ये कर सकते हो I would have, इसको ऐसे कर लीजिए I would have succeeded, एक ऐसे कर सकते हो, तीन तरीके हैं, तीनों में से कोई सा भी कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3, ये पैसिव है, ये वाला पैसिव है, ठीक है, दिस इज पैसिव, ये एक्टिव है दोनों, दिस इज आल्सो एक्टिव, आई डिडंट वर्क हार्ड अदरवाइज आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वरना मैं सक्सेसफुल हो जाता, आई वुड हैव गॉट सक्सेस, मुझे सफलता प्राप्त हो जाती, आई वुड हैव सक्सीडेड, मैं सफलता प्राप्त कर लेता, ठीक है, तीन तरीके हैं, यू कैन यूज एनी वन, आई डिडंट वर्क हार्ड अदरवाइज आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, आई वुड हैव गॉट सक्सेस, आई वुड हैव सक्सीडेड। रवि चौधरी आपको मजे आ रहे हैं, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? यस सर। यू आर लुकिंग फॉर दिस क्लास है ना? Why are you asking me? I am asking because since beginning you have been asking for this class, sir. Please teach me would. I am completely confused in would could. So could भी आपकी class में हो गया है, would आज आपने completely कर लिया है. I don't think so. You have any problem now? You should actually, be. Actually, sir, I was very confused. Now your confusion is gone, or is still there with you? 75% on. 25% on, वो तो रहेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी गायब हो जाएगी, ठीक है, सब चीजों की प्रैक्टिस ही होती है, हम कितने सारे सेंटेंस बना चुके हैं अभी तक इसके ऊपर, तभी क्लियर हो पाए, वरना नहीं तो नहीं हो पाते, और बनाते हैं सेंटेंस, देखिए आई जस्ट व्यू सम मोर सेंटेंसेस, एक दो सेंटेंस और ले लो, वरना ज्यादा भी मत करो, हैंग ओवर हो जाता है ज्यादा करने से ना। सर टाइम नहीं मिलता ना पढ़ने के लिए इतना। अच्छा मुझे टाइम नहीं मिला वरना मैं पढ़ लेता, इसी को बनाओ इंग्लिश में, मुझे टाइम नहीं मिला वरना मैं पढ़ लेता। I did not have time, otherwise I would have studied. अरे नहीं लगेगा भैया, पैसिव क्यों बना रहे हो, सीधे एक्टिव वॉइस है, मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ा दिया गया होता ऐसी थोड़ी ना बोली जा रही है बात, मैं पढ़ लेता, आई वुड हैव स्टडीड, काम का पैसिव लगा रहे हो। सर आपने बोला था ना सर। मैंने कब बोला भाई पैसिव के लिए? मैंने तो हिंदी का सेंटेंस बोला है, काम का आप ब्लेम कर रहे हो मेरे ऊपर, मैंने तो एक सेंटेंस बोला है, मैं पढ़ा, मैंने मेरे पास समय नहीं था या मुझे समय नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट टाइम अदरवाइज आई वुड हैव स्टडीड, वरना मैं पढ़ लेता, सिंपल। देखो मच्छर मार दिया मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते, ये मच्छर तेज नहीं उड़ा वरना बच जाता, अब लगा ला ना पैसे, अब लगाओ, ये मच्छर तेज नहीं उड़ा वरना, देखो दिख रहा है मच्छर, ये मच्छर तेज नहीं उड़ा, हाँ लगाओ पैसे, अब लगाओ वरना ये बच जाता, क्योंकि पैसे है भैया, पैसे है तभी तो लगाओगे, नहीं है तो कैसे लगाओगे। Fly well, otherwise he would have been saved. चलो मैं बताता हूँ, सब लोग साइलेंट हो दो मिनट के लिए, सेंटेंस मैच करिए मैं जो बता रहा हूँ, आप इतना कंफ्यूज मत होइए, रवि सचिन चौधरी के चक्कर में पैसिव वॉइस बुलवा दिया मैंने, वो अभी आपने सीखा नहीं है, टेंशन मत लीजिए अभी आप। द मॉस्किटो डिड नॉट फ्लाई फास्ट अदरवाइज इट वुड हैव बीन सेव्ड, ये होगा सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है तो लगाएंगे, और नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा ना पैसिव घुसाएंगे, वहां पर होगा तो लगाओ, नहीं है तो फिर काय को उसके पीछे पड़ो जबरदस्ती, ठीक है सर। पता कैसे चलिए पैसिव है? पता चलेगा जब हम पैसिव पढ़ाएंगे, अभी कैसे बताएं, अभी पढ़ाऊंगा तो, चलो 12 बजे तक पढ़ लो, मैं तो तैयार हूँ, लैपटॉप में बैटरी भी है। ओके सर, पैसिव वॉइस अभी शुरू कर देता हूँ, इतना हैंगओवर हो जाएगा आप समझ में नहीं आएगा, दिमाग में कीड़े से काटने लग जाएंगे, तो अभी मतलब नहीं है ना, अभी जब उसकी बारी आएगी जब सीखेंगे पैसिव वॉइस की, वुड की बारी आई तो वुड पूरा सिखाया नहीं सिखाया आपको, पूरा शुरू से एंड तक वुड ही पढ़ा रहा हूँ, और कुछ मैंने लिया ही नहीं है बीच में, हर चीज का समय आता है। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। Yes, please ask.
नहीं सर, इस टॉपिक में नहीं है सर, अलग टॉपिक है इसका। अलग टॉपिक है, कौन सा टॉपिक सर? काले धब्बे होने के बावजूद चांद सुंदर है, था और रहेगा। वो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लगाते हैं, वहां पर सीख लेंगे, वो भी आगे आप जाएंगे क्लास में। ओके सर। हाँ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ब्लैक स्पॉट्स द मून इज गेटिंग, क्या बोल रहे थे आप आगे? चांद सुंदर होता जा रहा है, सुंदर है, था, रहेगा। हाँ, द मून इज ब्यूटीफुल, वॉज ब्यूटीफुल, विल बी ब्यूटीफुल, इसमें है क्या? इसमें इन स्पाइट ऑफ मैंने ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोलता है। करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही बताया था सर मैंने क्लास में। क्लास में बताया? अच्छा, टीचर ने पूछ लिया होगा आपसे? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, आप आराम से सोइए, प्रैक्टिस करिए इसकी खूब अच्छे से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।